भाजपा समर्थित प्रत्याशी किशन चौधरी के समर्थन में मतदान करने के लिए चौधरी लक्ष्मी नारायण के नेतृत्व में आधा दर्जन से अधिक सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान लक्ष्मी नारायण चौधरी ने जीत का दावा करते हुए कहा कि उन्हें 25 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। देखिए, कुल 33 सदस्य है, 33 में से 25 सदस्य हमारे साथ है। वो 25 सदस्य सर्वसम्मति से अपना मतदान करने के लिए यहाँ आए हैं। ये गांव का चुनाव है, गांव के दलीय उस भावना से ऊपर उठ के जिनके गांव के विकास में जिनका विश्वास है, समस्त सदस्य हमें अपना समर्थन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति और योगी जी के नेतृत्व में जिनको विश्वास है, वो सब हमारे प्रत्याशी, अधिकृत प्रत्याशी किशन सिंह चौधरी को अपना मत देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ सब हमारे साथ आए। सुना है चौधरी लक्ष्मी नारायण के साथ हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल हैं, मधु शर्मा हैं और सभी सदस्य हैं, एसके शर्मा हैं और भाजपा के जो तमाम सदस्य जो हैं, जो लक्ष्मी नारायण चौधरी के साथ आप देख रहे हैं मौजूद हैं और अलग अलग गाड़ियों में, और लगभग यहाँ पर कलेक्ट्रेट पर आप देख रहे हैं कि इस समय 12:30 पर यहाँ लक्ष्मी नारायण चौधरी के नेतृत्व में जिला पंचायत सदस्य भाजपा के यहाँ पर पहुँचे। आप देख रहे हैं गाड़ियों का पूरा काफिला है और कलेक्ट्रेट के गेट पर सभी गाड़ियाँ हैं, और अभी देखिए ये जो गाड़ी आई है इसमें भी सदस्य मौजूद हैं, और इस तरह से यहाँ पूरे वाहनों में सभी सदस्य आप देखें गाड़ियों में बैठे हुए हैं जो उनके समर्थित सदस्य हैं, और ये गाड़ी है इसमें भी सदस्य बैठे हुए हैं यहाँ। तो आप भाजपा के सदस्य हैं और यहाँ इस समय गेट पर आप देख रहे हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण पूरे यहाँ पर काफिला है, और जो भाजपा के सदस्य हैं, यहाँ जो पदाधिकारी हैं, सब विक्ट्री की मुद्रा बनाए हुए हैं और आत्मविश्वास के साथ है। लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहे तो यहाँ तक कहा है कि 25 सदस्यों का हमारे पास समर्थन है। अब देखना यह है कि यहाँ जब 3 बजे तक मतदान होगा और मतदान के बाद 3 बजे बाद तुरंत मतों की गिनती होकर घोषणा हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उत्साह दिखाई दे रहा है, भाजपा समर्थित प्रत्याशी यहाँ पर हैं और सब एक उनके अंदर एक उल्लास और उत्साह दिखाई दे रहा है भाजपा के। देखिए हमारे साथ विनीत शर्मा जी हैं। हम बहुमत से जीत रहे हैं, बहुमत से जीत रहे हैं और जनमत ने भाजपा को सपोर्ट किया है, भाजपा की नीति रीति पे सब लोगों को विश्वास है, मत सबको हमें। देखिए अभी आ रहे हैं धीरे धीरे, सब वोटिंग का अभी क्रम चल रहा है। अभी हमारे साथ यहाँ 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य अभी वोट डालने हैं, उसके बाद धीरे धीरे आ रहे हैं। 5 सदस्य यहाँ पर जो लक्ष्मी चौधरी के साथ आए हैं, विनीत शर्मा जी ने अभी बताया है, और धीरे धीरे और जो गाड़ियाँ आ रही हैं और सदस्य आ रहे हैं, और आप देखिए जो वाहनों में बैठे हुए हैं, जैसे ही उनका नेतृत्व का उन्हें इशारा होगा, आप देखिए ये जो महिला पदाधिकारी हैं और वो सीधे उतर कर आए हैं, और ये गोवर्धन क्षेत्र के सदस्य हैं, और देखिए कैसे कार्यकर्ता उनको पूरी सुरक्षा के बीच में हाथ से घेरा बनाकर सबको ले जा रहे हैं, और विजयी मुद्रा में आप देख रहे हैं विक्ट्री का उनका मुद्रा है, और सभी सदस्य आप देखिए आप कलेक्ट्रेट के अंदर जा रहे हैं और उन सबको पूरे सुरक्षा के घेरे में भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं ले जा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी वहाँ गेट पर खड़े हुए हैं, सबको एक साथ लेकर यहाँ से जाएंगे और इसके बाद वो अंदर मतदान करेंगे। मतदान की पूरी जो प्रक्रिया है, पूरे सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है। अभी तक लगभग 12:30 तक यहाँ पर कोई खास हलचल नहीं थी, लेकिन 12:20 पर जैसे ही लक्ष्मी नारायण चौधरी का काफिला आया गाड़ियों के साथ और यहाँ तमाम सदस्य जब जैसे ही पहुँचे हैं तो एकदम हलचल बढ़ गई। आप देख रहे हैं अभी बैरिकेडें लगी हुई है, वहाँ पर और भी कुछ गाड़ी आ गई हैं सदस्यों की, और ये सब वाहन जो हैं इनमें भाजपा समर्थित जो मतदाता हैं सब वो सब आए, और आप मेरे पीछे सामने देख रहे हैं कि पुलिस खड़ी हुई है बैरिकेडिंग पे और वहाँ वाहनों को चेक करके जो जिनमें सदस्य हैं उन्हीं वाहनों को केवल यहाँ अंदर आने दिया जा रहा है। और अब देखिए भाजपा का झंडा लगी है गाड़ी और यहाँ प्रवेश कर रही है, और उसके साथ में और भी पीछे वाहन खड़े हैं, और इस वाहन में भी सदस्य हैं भाजपा के जो मतदान करने के लिए आए हैं, और इस तरह से धीरे धीरे जो मतदाता हैं वो जिला पंचायत के वो कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर एकत्रित हो रहे हैं। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव मथुरा में हो रहा है, जिसमें भाजपा के किशन सिंह प्रत्याशी हैं, राष्ट्रीय लोकदल के राजेंद्र से करवा रहे हैं।
तो अभी सबसे पहले जो मतदाता के रूप में आए वो भाजपा समर्थित जो सदस्य हैं वो उन्हें लेकर लक्ष्मीनारायण चौधरी उनको लीड कर रहे हैं, यहाँ लेकर आए हैं और इस वक्त वो कलेक्ट्रेट में अपने मतदान के लिए अंदर जा चुके हैं। बाकी 3 बजे तक चलेगा, आप देखते हैं कि क्या और स्थिति यहाँ सामने आती है। फिलहाल की स्थिति आपने देख ली है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो जिला पंचायत सदस्य वो मतदान के लिए आ गए हैं। जी नाइन न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी मथुरा।